गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे सॉल्व कैसे करें। तभी आप तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो चलिए चलते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं। तो भी क्लोज कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में जाते हैं। सबसे पहले इसमें जाइए, ये रहा मेरा मॉर्फो डेटा डिवाइजर, मतलब ड्राइवर। तो इसको एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट किया तो ये हो गया दोस्तों। सबसे पहले आप मॉर्फो ऐप का अगर 64 बिट है तो 64 बिट लीजिएगा, 32 बिट है तो 32 बिट लीजिएगा। तो आप कैसे जानिए कि मेरा कितना बिट है? तो पीसी में जाइएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट कर लूंगा। चलिए आगे चलते हैं, हम 64 बिट ले लेते हैं। ये सेटअप को रन करा लिए, इसे रन होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक कर देंगे, फिनिश। ये स्टार्ट मांग रहा, नो करेंगे, ओके। बैक चले जाइए, बैक चले जाइए, बैक चले जाइए। अब उसके बाद ऑडियो सर्विस ले लेंगे, इसको क्वेश्चन इंतजार करें, तुरंत हो जाएगा। चलिए ऑडियो सर्विस भी हो गया। अब इसमें आना है, इसमें आना है। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अब इसको सेटिंग नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। फिर भी एक बार टाइम आते हैं, देखते हैं कि हम लोग का काम करता है कि नहीं। चलिए चलते हैं, लॉगिन। सक्सेसफुली, ओके ओके। आप चाहें तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं आयुष्मान भारत में, मैं यहाँ से जाऊंगा। और कहाँ चला गया, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, अभी पता चलेगा। मैं अपना आधार नंबर डालूंगा, वेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम यहाँ अपना फिंगर डालेंगे और ये आपके सामने है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये काम कर रहा है। मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप इस तरह इंस्टॉल करें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।